मैच अच्छा हो रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, 227 रन पे ऑल आउट कर दिया, 19 पर कोई विकेट नहीं गिरी, शुभमन गिल अपने स्टाइल से डोमिनेट कर रहे हो, उमेश यादव 4 विकेट चटका गए, अश्विन भी 4 विकेट चटका गए, ये किया क्या बांग्लादेश ने इन्होंने, देखिए उनके घर पर जाकर घुसकर जिस तरीके से भारतीय बल्ले गेंदबाजों ने बॉलिंग डाली आउटस्टैंडिंग बॉलर, कोलैप्स करना कोई बांग्लादेश की बैटिंग से सीखे कि अब तो खीर ही होगी, 14 रन के ऊपर 5 आउट इनके हो गए, टी से पहले तक इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे कि खेल जाएंगे थोड़े 260-70 तो आराम से आ जाएगा ऐसा लग रहा था मिनिमम। पूरे इंडियन क्रिकेट का भी यार आजकल मिजाज समझ नहीं आ रहा, साफ बात है कुलदीप यादव का हार्ट ब्रेक है बॉस, आप उसकी जगह किसी भी खिलाड़ी को रख के सोचे, उसके साथ जो आपने ज्यादतियों के अंबार लगा दिए, और कुलदीप यादव उनको ड्रॉप कर दिया गया यार, पिछले मैच का विनर, इस पिछले मैच का चैंपियन, और इस बार फिर ड्रॉप, ये क्या हो रहा है भाई, कि कुलदीप यादव जो कि मैन ऑफ द मैच था पिछले मैच का, उसको आज नहीं खिलाया भाई, अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना था एक और तो भाई आप जिसको कहते हैं अक्षर पटेल को बिठा देते, कुलदीप यादव जिसको कहते हैं बैटिंग भी कर लेता, उसने पिछले मैच में बैटिंग भी की हुई है। कुलदीप यादव का मैं आपको बता दूं, ऐसा लगता है उनकी कास्ट का मसला है या तो उनके कोटे का मसला है या फिर उनको बता दिया जाता है कि भाई तुम एक मैच खेलोगे, जो परफॉर्म करना है इसी में जी लो बस, ठीक है उसके बाद जब तुम्हें खिलाना होगा तुम्हें बता देंगे, तुम स्क्वाड में हमेशा साथ रहोगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच चला दूसरा टेस्ट में भारत ने कमाल की बॉलिंग की है, जिसमें भारत की गेंदबाजों ने बांग्लादेश की जो बल्लेबाजों को 227 रन पे पैक कर दिया है, और इसमें अगर किसी को तारीफ किया जाए वो तो अश्विन और उमेश यादव ने, दोनों ने लगभग 4-4 विकेट लिए हैं, और जयदेव उनादकट ने भी 2 विकेट इसमें लिए हैं, और जयदेव उनादकट लगभग 11 साल बाद उन्होंने कमबैक किया और विकेट लिया, लेकिन जिस तरह से आज उमेश यादव ने गेंदबाजी की है बहुत तकलीफ दिए हैं वो बांग्लादेश की बल्लेबाजों को, तो इसी को लेकर आज दिन भर यही चर्चा चल रही थी कि भारतीय बल्लेबाजी गेंदबाजी आज बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन एक बात और जो कुलदीप यादव को लेकर के, कुलदीप यादव के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है, उनको जानबूझकर बिठाते हुए लग रहा है, और कुलदीप यादव भी आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा चल रहा है, जिस तरह के आपने इंटरव्यू में देखा उस तरह पूरे वीडियो को मजा लीजिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। व्हाट एन एफर्ट, वेल बोल्ड, तहस नहस किया, मैच अच्छा हो रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, 227 रन पे ऑल आउट कर दिया, 19 पर कोई विकेट नहीं गिरी, शुभमन गिल अपने स्टाइल से डोमिनेट कर रहे हो, मामला सीधे से कि उमेश डिड वेरी वेल, थोड़ा सा विकेट ऐसा था कि यार सीमर्स की यूटिलिटी थी, और सीमर्स खेले भी, सीमर्स ने परफॉर्म भी किया, सीमर्स ने आउट भी किया, उनादकट 11-12 साल के बाद वो दोबारा से टेस्ट खेले इंडिया के लिए, अच्छा साइन है, सब कुछ ठीक है, बट मेरा सवाल ये है कि क्या कुलदीप यादव टीम का रेगुलर मेंबर है, उस लड़के को एक अरसे के बाद आपने कॉन्फिडेंस दिया, और फिर कॉन्फिडेंस देते ही आपने उसका कॉन्फिडेंस अगले मैच में शटर कर दिया, अक्षर पटेल या अश्विन में से कोई बैठता तो इनका कॉन्फिडेंस नहीं जाता, ये रेगुलर मेंबर्स चल रहे हैं भाई, ये कौन सी साजिश है, ये राहुल द्रविड़ किस किस्म की सोच से इंडियन क्रिकेट को रन करना रोता है। आज विकेटों में आपने देखा होगा उमेश यादव पिछले मैच में भी 4-5 विकेट दी उनकी दोनों इनिंग में मिला के, इस मैच में भी इन्होंने 4 विकेट ले ली, ठीक है कुलदीप यादव नहीं है, उमेश यादव तो है ना, विकेट ले ही रहा है ना कोई यार, देखिए इंडियन क्रिकेट का भी यार आजकल मिजाज समझ नहीं आ रहा, साफ बात है कुलदीप यादव का हार्ट ब्रेक है बॉस, आप उसकी जगह किसी भी खिलाड़ी को रख के सोचे, उसके साथ जो आपने ज्यादतियों के अंबार लगा दिए, पहले भी किए हैं माजी में भी यानी पास्ट में, और अब आप जो है फ्यूचरिस्टिक होके सोचे, तो ये साफ नजर आ रहा है कि आपको खतरा है, आपको किसी की जगह रखनी है, मैं बता सकता हूं, अक्षर पटेल को आप रोजाना इसलिए खिला रहे हैं कि जडेजा है तो उसको उसकी जगह पक्की मिले, अश्विन को आप इसलिए खिला रहे हैं कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ रवि अश्विन का नेक्सस बना हुआ है, आप उसको परफॉर्म करने का मौका तो दो यार, हर वक्त तलवार जो है वो उसी बिचारे पर क्यों चलती है, मेरा ये सवाल है। कुलदीप यादव का मैं आपको बता दूं, ऐसा लगता है उनकी कास्ट का मसला है या तो उनके कोटे का मसला है या फिर उनको बता दिया जाता है कि भाई तुम एक मैच खेलोगे, जो परफॉर्म करना है इसी में जी लो बस, ठीक है उसके बाद जब तुम्हें खिलाना होगा तुम्हें बता देंगे, तुम स्क्वाड में हमेशा साथ रहोगे। तो 227 रन पर जो है बांग्लादेश की पूरी टीम को बुक कर दिया गया इस मैच में, शानदार किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली इंडिया की तरफ से, कमाल धमाल सुपर बॉलिंग की इंडिया ने इस मैच के अंदर भी, तो उमेश यादव 4 विकेट चटका गए, अश्विन भी 4 विकेट चटका गए, ये किया क्या बांग्लादेश ने इन्होंने, देखिए उनके घर पर जाकर घुसकर जिस तरीके से भारतीय बल्ले गेंदबाजों ने बॉलिंग डाली आउटस्टैंडिंग बॉलर किया वो है उमेश यादव, आउटस्टैंडिंग बॉल डाला उमेश यादव ने, क्या पेस स्टार पेस बैटरी छा गया भाई, मजा आ गया आज उमेश यादव की बॉलिंग देखकर, उसने कमाल किया है, अश्विन ने भी एफ्यूल अच्छी बॉलिंग किया, वो तो टेस्ट में जब भी उनको मौके मिलते रहते हैं वो हर फक्तन सॉरी रन जो वो जो बॉलिंग है फक्तन जो अच्छी बॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन उमेश यादव की बॉलिंग देखकर नहीं मजा आ गया, जो उन्होंने आज बांग्लादेशी बल्लेबाजों को तंग किया, क्योंकि जो ये मीरपुर की विकेट है अमूमन आपको डेडी नजर आती है, आज भी कोई खास दमदार नहीं थी, लेकिन ऐसी विकेट पर अगर तेज गेंदबाज विकेट निकालता है तो आपको वाकई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उमेश यादव ने बॉलिंग किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखा है कुलदीप यादव के लिए, फिर T20 वर्ल्ड कप जो 21 का था उसमें बाहर हो गया, एशिया कप में भी नहीं दिया, मतलब उसकी वो गलती नहीं है, खाली कभी इंजरी हो जाती है कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अब तो हादी होगी, हम तो हादी होगी उस बेचारे के साथ यार।
कोलैप्स करना कोई बांग्लादेश की बैटिंग से सीखे कि अब तो खीर ही होगी। 14 रन के ऊपर 5 आउट इनके हो गए। टी से पहले तक इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे कि खेल जाएंगे, थोड़े 260-70 तो आराम से आ जाएगा ऐसा लग रहा था मिनिमम। लेकिन क्रेडिट जाएगा इंडिया की बॉलिंग को भी कि क्या जबरदस्त किस्म का उन्होंने कमबैक किया है। पहले भी पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी एकदम से ओपनिंग पार्टनरशिप बांग्लादेश की अच्छी थी, उसके बाद बॉलिंग ने कमबैक किया। अब अगेन मोमिनुल हक इतनी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है, जैसे ही वो आउट हुआ ये जितने भी सीनियर प्लेयर है शाकी मुशफीक इनसे खेला ही नहीं गया। तो वो भाई तारीफ करनी बनेगी कि जिसको कहते हैं अश्विन हो गए, उमेश यादव हो गए, इन कंडीशंस के अंदर जब फास्ट बॉलर विकेट निकालता है ना तो फिर तारीफ करनी बनेगी कि कुलदीप यादव जो कि मैन ऑफ द मैच था पिछले मैच का, उसको आज नहीं खिलाया। भाई अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना था एक और, तो भाई आप जिसको कहते हैं अक्षर पटेल को बिठा देते। कुलदीप यादव जिसको कहते हैं बैटिंग भी कर लेता, उसने पिछले मैच में बैटिंग भी की हुई है, 48 रन उसने मारे थे, बॉलिंग उसने जिसको कहते हैं मैन ऑफ द मैच बना था, इतनी उसने विकेट दी थी उसको बिठा दिया। ये मुझे जिसको कहते हैं ना मोनोपोली इनकी समझ नहीं आती कि क्या चक्कर है, क्यों ये लोग करते हैं। खैर जिसको कहते हैं जो बॉलर खिलाया उसने विकेट तो ली, 2 विकेट तो ली, लेकिन फिर भी उसको भी खिलाते, अक्षर पटेल को निकाल देते। लेकिन जो भी है अब टीम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर। खैर इंडिया के जिसको कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन हो चुकी हुई है। अगर मैं बात करूं आज के दिन की, आज का दिन किसके नाम हुआ, तो ऑब्वियसली आज का दिन इंडिया के नाम ही हुआ है। और ये टेस्ट मैच में इंडिया दोबारा से तो कहते हैं ना, अगर तो इंडिया ने 350-400 रन बना दिए और बांग्लादेश आ गए, तो बांग्लादेश मेरे ख्याल से 50 या 100 रन का ही टारगेट देगी, ज्यादा ज्यादा टारगेट नहीं दे सकते क्योंकि बांग्लादेश ने रन तो बनाया नहीं। हाँ अगर बांग्लादेशी कल बॉलिंग ने कुछ कर दिया इंडिया को, जिससे कहते हैं 227 रन भी नहीं करने दिए, फिर ये टेस्ट मैच बड़ा मजे का होने वाला है, फिर बड़ा मजा आएगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि बांग्लादेश जिसको कहते हैं काफी नीचे चला गया अच्छे स्टार्ट के बाद। बात दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया की, तो इंडिया की बॉलिंग जिसको कहते हैं ना इस सीरीज के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रही है और बल्लेबाजी तो दिखा ही रही है। गिल की सेंचुरी, पुजारा की सेंचुरी, 2 सेंचुरियां तो आ चुकी हुई है। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल देखा जाए तो नो डाउट इंडिया जिसको कहते हैं स्ट्रेस मैच में स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ खड़ी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया भारतीय गेंदबाजी की तारीफ कर रहा था और कुलदीप यादव को लेकर बातें कर रहा था। तो अगर देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजी की आज तारीफ करनी बिल्कुल बनती है, क्योंकि 227 रन जैसे कि टी के टाइम पे 82 पे 2 रन और 2 विकेट गिरे थे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप चला, लेकिन उसके बाद जो झटके पे झटके मिलते रहे बांग्लादेश को, बांग्लादेश उभर नहीं पाया। वो लगातार विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश 227 रन पर पैक हो गया। और जिसके अगर कोई मतलब जिनको तारीफ देना चाहिए तो वो ऑब्वियसली वो उमेश यादव और अश्विन है। उमेश यादव ने बहुत अच्छी आज बॉलिंग की, उनको उनकी इकोनॉमी भी आज बहुत अच्छी रही। और अश्विन की बात किया जाए तो अश्विन भी बहुत अच्छी बॉलिंग, तो वो तो चाइनामैन बॉलर रहे हैं, चाइनामैन बॉलिंग करते हैं, सॉरी कैरम बॉलर हैं, वो कैरम बॉल उनका बहुत ही ज़्यादा आज उन्होंने इस्तेमाल किया और विकेट भी हासिल कर लिए। और जयदेव उनादकट की भी थोड़ी बहुत उनको भी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने इतने साल बाद कमबैक करके उनकी भी लाइन लेंथ अच्छी रही और उन्होंने भी 2 विकेट चटकाए। लेकिन अगर बात किया जाए तो कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है यार, उनके साथ हमेशा किस तरह का मतलब किस और मतलब नाइन साइबी का लेबल भी पार हो गया उनके साथ। मतलब वो एक बंदा जो मैन ऑफ द मैच होता है, जो एक मैच के पहले जो विकेट लेकर देता है, जो बल्लेबाजी में भी साबित करता है कि मैं बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ, और वो क्या करेगा, वो मतलब अगर उसको कप्तान बनाना पड़ेगा उसको ना मतलब टीम में रखने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी कर ले उसको तो खिलाया नहीं रहे हो आप, और एक मैच खिला के एक मैच मतलब उसको ड्रॉप कर दे रहे हो, और उसमें उसका भी कुछ मतलब कसूर नहीं है। वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते जा रहा है, साबित अपने आप को किए जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है मतलब उसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये लोग मतलब जो भी आते हैं, और आज दिन भर ट्विटर पे ट्विटर और बहुत ही ज्यादा बैशिंग हुई आज बीसीसीआई और टीम इंडिया को और टीम इंडिया मैनेजमेंट कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान केएल राहुल का, बहुत ज्यादा आज लोगों ने मजाक उड़ाया कि केएल जैसे जो मतलब केएल राहुल जैसे बंदा जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है वो कप्तान होकर बैठा है मतलब टीम पर, और वो आके आज जैसे भाई आप बैटिंग उसने किया वो भी आपने देख लिया। लेकिन कुलदीप यादव जैसे बंदा जो आपको बैटिंग करके दे रहा है टेलेंडर पे आकर और विकेट पे विकेट चटका रहा है, लगभग उसने 12 विकेट ले लिए, उसको आपने मतलब चांस नहीं दे रहे, ये कैसी बात है यार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल टाइम जरूर दबा दीजिएगा। और कुलदीप यादव को ना खिलाने से आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।